Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, things are fine at your place. And इसी के साथ ये session आज का शुरू करते हैं. The list in front of you that we have to cover today, we'll take it in detail in a very comprehensive manner. Let me tell you the articles in brief and we'll proceed. जैसे जैसे proceed करेंगे connectivity बनती जाएगी फिर. First, in front of you is a tiger reserve. You all might be able to see that written in front of you. Virangana Durgavati Tiger Reserve. So, ये tiger reserve कहाँ है and everything about it, map practice, prelims के लिए important है, यहाँ vegetation कैसी होती है and basically इस tiger reserve के आसपास बाकी और अगर कोई national park tiger reserve है तो वो अगर यहाँ से किसी river का origination है तो वो everything will take it up, every fact that is important from your prelims perspective. Next is your Hirakud Dam, again prelims ke point of view say it is very important, we'll take every fact of it. Foot and mouth disease very much in news, we'll take it up, prelims ke liye bhi important hai, mains ke liye bhi important hai, GS paper 3 se bhi link kar sakte ho, GS paper 2 and prelims ke liye, sabse zyada prelims ke liye, aaj ke articles thoda prelims oriented hai. शोर टेम्पल क्या है, कहाँ है, क्यों न्यूज में है, वो डिस्कस करेंगे. ये एक मेंस का आर्टिकल है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपरटेंशन के बारे में सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना है उनको आज ये चीज क्लियर हो जाएगी. हम लोग इस पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो हाइपरटेंशन होता क्या है, राइट. पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज हाइपरटेंशन. देयर इज अ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन जो आपके जीएस पेपर 2 में हेल्थ डोमेन से काफी आपको हेल्प करेगा, राइट. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अबाउट हाइपरटेंशन इंडिया में जो नंबर्स है वो, मेंस के पर्सपेक्टिव से हाइपरटेंशन उसके इम्प्लीकेशंस जो होते हैं ऑन पब्लिक हेल्थ, सो विल टेक इट अप. बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को कवर करेंगे. इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबली क्या इनिशिएटिव्स हैं, हाइपरटेंशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, राइट. So I think without taking any time, I'll simply start the session with this first article that is in news and a very, very important one, because recently this historic temple that is located in Tamil Nadu has achieved a milestone by becoming India's first green energy archaeological site. It has achieved it. हमारे लिए important हो जाता है इसके बारे में जानना. सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं. ये एक बहुत ही एंशियंट टेम्पल है, ममल्लापुरम, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है. तमिलनाडु के अंदर है जगह, वहाँ पर ये टेम्पल है. बहुत पुराना है, स्पेशली मतलब एंड इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स मेड ऑफ कार्व्ड रॉक्स, राइट. जो क्राफ्ट्समैनशिप की मतलब दे इट शोज द एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ दोज कार्व्ड रॉक्स. See, it was built to honor two important Hindu gods, Lord Shiva and Lord Vishnu. If you might have, you all might have heard about the powerful king named Narasimha Varman II and also known as Rajasimha, likely ordered its construction around 700 to 728 CE, right? Pallava ruler, sabne suna hoga. शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड, तमिलनाडु में सिचुएटेड. सो इट इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ हिंदू मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉक कट है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है और देवर कलेक्ट द ममल्लापुरम मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स इंक्लूडिंग द शोर टेम्पल वर कलेक्टिवली डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984. तो अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में पढ़ें. यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक स्पेशल ग्रुप है विद इन यूनाइटेड नेशंस. अगर यूपीएससी ने पूछा तो कहना बिल्कुल, इट इज अ ग्रुप विद इन यूएन एंड फोकसेस ऑन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन सब पे. 1946 में ये इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं. 1946 इज़ व्हेन यूनेस्को बिगिन इन,
पर्पस क्या है? इट्स पर्पस रिटन इन द स्पेशल रूल बुक दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनकरेज द कंट्रीज कि भैया काम करो, वर्क टुगेदर, शेयर द नॉलेज इन एडुकेशन, इन साइंस, इन कल्चर. इनका मेन ऑफिस कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, राइट? एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट. और गोल क्या है? बाय हेल्पिंग द कंट्रीज टू वर्क टुगेदर, मैंने बताया, टू अंडरस्टैंड ईच अदर थ्रू एजुकेशन, मेकिंग पीस, सिक्योरिटी, एनकरेजिंग डेवलपमेंट जो कि एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करे, जो प्लैनेट को हार्म नहीं करे, और एक दूसरे के बीच में कॉन्वर्सेशंस को प्रमोट करे बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, ताकि We all can get along and we can learn from each other. देखो हम लोग ना बहुत कुछ एक दूसरे से सीख सकते हैं, बात करने की ज़रूरत है. UPSC में भी मतलब अगर आप एक फ्रूटफुल डिस्कशन करो, डिस्कशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो ग्रुप अगर एक है, चार पांच लोगों का ग्रुप, ग्रुपिज्म की बात नहीं करूँगी, बट वो चार पांच ग्रुप में अगर फालतू बातें ना हो, वो ग्रुप डेडिकेटेड हो और अपने पॉइंट्स आप एक डिबेट करो, बातें करो, सामने वाले के पॉइंट्स लो, अपने पॉइंट्स रखो, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. और एक ग्रुप लर्निंग से काफ़ी और चीज़ें, काफ़ी आइडियाज़, अपने आंसर लेके सामने वाले को चेक करवाओ. हालांकि अब जो है वो इंडिविजुअल स्टडी होने लग गई है, और अगर ग्रुप बनता भी है तो वो सिर्फ चाय की टपरी जितना ही रह जाता है, और वहाँ पे जो चाय की टपरी पे डिस्कशंस होती हैं, मैं उन डिस्कशंस की बात नहीं कर रही हूँ. तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और एक सीरियस एस्पिरेंट्स का ग्रुप है तो काम का है, नहीं तो इंडिविजुअल ही पढ़ें, राइट? तो जितना हम डायलॉग करते हैं उससे दो कंट्रीज़ के बीच में भी, देखो हर चीज़ डायलॉग से ही ठीक होती है, चाहे वो आज इंडिया कनाडा के रिलेशन से क्यों ना हो जो चल रहे हैं. अब वैसे भी ये आर्टिकल यही कह रहा है कि कल्चरल एक्सचेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीपल शुड वर्क टुगेदर. अब चीज़ें, हम ग्लोबलाइजेशन है, COVID-19 ने ये कोई सीमाएँ नहीं है किसी भी चीज़ की, ये बाउंड्री है, राइट? वायरस ने कोई बाउंड्री नहीं रखी. तो यही बातें हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट. अगला आर्टिकल जो है वो हाइपरटेंशन को लेकर है, और आपके GS पेपर 2 मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस पर थोड़ा टाइम लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से, इसके हर एक पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे, यानी कि एक 360 डिग्री का टर्न होगा, ठीक है? तो रिसेंटली ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 78 सेशन, WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर. पहली बार, इट इज़ अ फर्स्ट एवर रिपोर्ट बाई WHO ऑन द वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको आप मतलब हम कॉमनली हम उसको ऐसे हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, मतलब ये कॉमन नहीं है, मतलब हम इसको ऐसा लेते हैं कि ठीक है हाई BP तो हो रखा है, दवाई खा ली, बात खत्म. नहीं, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट. इट इज़ अ फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो इसके इम्प्लीकेशंस को भी बताता है. मतलब आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई फैमिली, लाइक माई मदर इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स एट अ सीरियस कि मतलब आप लगा सकते हो सिचुएशन में रहता है. तो यहाँ पर इट इज़ अ साइलेंट प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि गोली खा ली, BP ठीक हो गया, चलो बात खत्म. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रॉपर एक्सरसाइज, इसके चीज़ों को लेके अवेयर होना, क्योंकि ये इट कैन, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी नीड टू टेक आर मेडिकेशन जो भी दी जाती है प्रिस्क्राइब प्रॉपरली. एक दिन लेके चार दिन छोड़ देना, चाहे वो किसी भी केस में, पढ़ाई में, दवाई में, काम नहीं करता है, चीज़ों को और ही ख़राब कर देता है. तो हाइपरटेंशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, इट्स लाइक अ साइलेंट प्रॉब्लम. सबको ये पता होगा. इमेज सोचो, इफ़ योर ब्लड इज, मतलब इज लाइक अ रिवर, जो हमारी बॉडी में खून बह रहा है वो एक नदी की तरह है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी. कभी कभार जो नदी होती है, द वॉल्स ऑफ दिस रिवर, इट कैन गेट टू नैरो, राइट, मेकिंग द प्रेशर ऑफ द वॉटर इन साइड गो अप. चीज़ें नैरो हो गई ना, पहले ये था, जब चीज़ें नैरो होती हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा जाएगा, दैट इज ब्लड, पानी की जगह मैंने ब्लड की जगह पानी को रिप्लेस कर दिया. कहने का मतलब ये है, दैट इज ऑल अबाउट, दिस इज अबाउट हाई ब्लड प्रेशर विच इज अ बिग डील नाउ, एंड इट रिपोर्ट इज देयर, इज अ फर्स्ट टाइम जो ये रिपोर्ट आई है. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री,
एंड एज आई वॉज मैंशनिंग कि हाई ब्लड, ये जो बातें आपके सामने लिखी हुई हैं रिपोर्ट्स की हैं, जो रिपोर्ट में मैंशन है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इससे पहले आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बता रही हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। इट्स मतलब यू कैन से ये कि हाई ब्लड प्रेशर कैन मेक यू मोर लाइकली टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स। तो रिपोर्ट यही कहती है कि चीज़ों को सीरियसली लेना है, साथ में काम करना है, टू वर्क अगेंस्ट हाई बीपी आल्सो। इट्स लाइक अ रेस टू कीप दिस साइलेंट प्रॉब्लम फ्रॉम हर्टिंग अस। वी कैन डू थिंग्स आल्सो, हेल्दी खाना, एक्टिव रहना, गेटिंग रेगुलर चेकअप्स विद आवर डॉक्टर्स, राइट। मुद्दा यही है कि जो आपकी रिवर, जो ब्लड है, दैट इज इट शुड फ्लो स्मूथली एंड एट अ राइट प्रेशर। अगर आपको याद हो, मतलब किसी को पता हो, तो हम बीपी को जब मेजर करते हैं, इट्स टू नंबर्स, 120 एंड 90। फर्स्ट नंबर 120, सेकंड नंबर 120 एंड 80, 120 और 80। अगर वो 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 से 90 भी हो जाता है, हैविंग अ ब्लड प्रेशर दिस मच और हायर, वो गुड नहीं है एट ऑल। इट्स सीरियस हेल्थ इशू अगर इसको आप ध्यान नहीं दोगे। तो हर साल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 17th ऑफ मे को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है। ये एक वो स्पेशल दिन है जहां पर रिमाइंड कराया जाता है टू एवरीवन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग अबाउट हाई ब्लड प्रेशर एंड टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल इट, राइट। वही होता है, अगर आपने सुना हो, देखो ये चीज़ें पहले कॉमन है, मैं आपको लेमन टर्म्स में बता रही हूँ। वट कैन मेक योर ब्लड प्रेशर गो टू हाई? जब आप बहुत ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हो, ईटिंग टू मच ऑफ सॉल्ट एंड एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा भी होता है कि इफ़ योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स हैड इट, यू माइट बी मोर लाइकली टू गेट इट ऑल्सो। या इट इज़ ट्रू। एज फार एज सिम्टम्स आर कंसर्न, कोई हाई ब्लड प्रेशर, डोंट फील एनीथिंग अनयूजुअल, बट अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो दिखने लग जाता है, हेडेक होता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन हो सकती है, और अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, यू कैन हैव स्ट्रोक, विच इज़ वेन योर ब्रेन डजेंट गेट एनफ ब्लड, राइट। सो ट्रीटमेंट यही है, अपनी लाइफ स्टाइल को ट्रीट चेंज करना, ईटिंग लेस सॉल्ट, लूजिंग वेट इफ वी नीड टू, बींग एक्टिव, क्विटिंग स्मोकिंग, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशल मेडिसिन टू हेल्प कंट्रोल आर ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ। सो एज फार एज इनिशिएटिव आर कंसर्न, WHO, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, दे आर वर्किंग टूगेदर। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ, इंडिया के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम है IHCI, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है राइट केयर टू 75 मिलियन पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बाय 2025, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फोकस कर रही है ट्रीटिंग दीज डिसीजेज ऑल्सो, जिनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, 1 in 3 एडल्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के नंबर जो है वो डबल हो चुके हैं, फ्रॉम 650 मिलियन टू अ स्टैगरिंग 1.3 बिलियन 1990 से 2019। हाइपरटेंशन अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ एडल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है जिनकी एज 30 से 79 है, और हर पांच में से हर चार लोग जो हाइपरटेंशन के साथ, मतलब इसको सफर कर रहे हैं, उनको एडवोकेटली ट्रीट भी नहीं किया जा रहा है। इंडिया अलोन में अगर आप देखो तो 188.3 मिलियन एडल्ट्स हैं वो ग्रैपलिंग विद हाइपरटेंशन। ओवरऑल द प्रेवलेंस ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर इन इंडिया इज स्लाइटली लोअर देन द ग्लोबल एवरेज, जो कि 31% है। अगर आप 50% का कंट्रोल रेट भी चाहते हो तो इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा दैट एन एडिशनल 67 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन, उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले। तो ये सारी बातें हैं, ट्रीटमेंट भी इनएडुकेट है, 80% ऑफ द इंडिविजुअल जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, राइट। तो डिस्पैरिटी ऑब्वियसली है, WHO रीजन ऑफ द US लीड्स विद 60%। तो ये सारी बातें हैं, एंड कवरेज रेट डिस्पैरिटीज ट्रीटमेंट में हम देखते ही हैं, जो कि है ही। टाइमली ट्रीटमेंट की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट। सो ये आप बता सकते हो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कवरेज हैज क्वाड्रपल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बेसिकली बात हो रही है 1990 से 2019 की, जिसमें जो परसेंटेज है उसमें चेंज देखने को मिला है, रीचिंग 21%। ओवरऑल प्रिवेंशन की बात है,
सो सम अप करूं तो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बच्चे ऐसी है, सिंपली एवरी थर्ड पर्सन आउट ऑफ थ्री हैज हाई ब्लड प्रेशर. नंबर ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद दिस हैज बिकम ट्वाइस, जो 650 मिलियन से 1.3 बिलियन हो गए. अबाउट 33% ऑफ ग्रोन अप्स, जो 30 से 79 की एज में, दे ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे हैव दिस कंडीशन, राइट? शॉकिंगली 4 out of 5 पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर दे आरंट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट दे नीड. सो ये बात है. रही बात इंडिया, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, इंडिया के चैलेंजेस की, वो तो मैंने बता ही दिया है कि 188.3 मिलियन एडल्ट्स बिटवीन दिस एज ग्रुप दे आर फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर. वी स्टिल हैव टू वर्क अपॉन इट. तो यहाँ पर यही है, वी नीड टू इंश्योर कि प्रॉपर प्लान्स हों. अगर प्रॉपर प्लान से हम एक्सीड करते हैं, लाइक वी कैन प्रिवेंट 4.6 मिलियन डेथ दैट आर रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर बाई 2040. सो ये सारी चीज़ें हैं दैट वी कैन रिमेंबर. और ये आपके मेन्स के आंसर राइटिंग में ये नंबर्स, डायरेक्ट फैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. सो मेक श्योर दैट यू यूज इट. ठीक है, अगला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है टाइगर रिजर्व की, जो एमपी के अंदर है. मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मार्किंग द 7th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट एंड 54th इन द कंट्री. ये जो टाइगर रिजर्व है एमपी में, अब यूपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट भी पूछती है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी के ही है, वहीं पर लोकेटेड है. 2000 के आसपास स्क्वायर, 2300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के आसपास ये स्प्रेड है. 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का. आज का होमवर्क है आपको टाइगर रिजर्व जितने भी एमपी के हैं वो सारे कवर करने हैं. और ऐसा नहीं है मैम ये क्या कह रहे हो आप, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दैट. इतने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स एमपी के जो न्यूज़ में आए थे बैक देन, वी हैव कवर्ड ईच वन ऑफ इट. अगर आप मैप में साथ साथ लोकेट कर रहे हो तो आपको पता होगा. इट विल एनकम्पास एरियाज विद इन दी नौरादे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आस पास की सेंचुरीज हो गई. द ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग पन्ना टाइगर रिजर्व, ये वहीं पर ही है और हमने पढ़ा भी हुआ है, विद दुर्गावती विल बी डेवलप फॉर अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ द टाइगर, राइट, टू दिस न्यू रिजर्व. तो ये सारी बातें हैं, देखो मैप में देख लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो दे आर प्लानिंग टू क्रिएट, आप लगा लो एक नेचुरल रोड, एक ग्रीन रोड, ताकि टाइगर्स इजीली मूव कर सकें फ्रॉम वन टाइगर होम दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व और इस टाइगर रिजर्व के बीच में. तो दे कनेक्टिंग पाथ हो गया. तो ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन टाइप ऑफ ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे एंड इट्स लाइक अ होम फॉर वेरियस एनिमल्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, वॉल्फ, डियर. एंड यहाँ पर आपको एक फोर्ट भी देखने को मिलेगा, सिंगोरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड विद इन दिस रिजर्व. फ्लोरा की बात करो तो टीक, बेर, आंवला, और फना की बात करो तो नीलगाय, चीतल, बार्किंग डियर, ब्लैकबक, सांबर, ये सारी आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी यहाँ पर. चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली वैक्सीनेट किए हैं ओवर 21,000 लाइफ स्टॉक अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिसीज. क्या है फुट एंड माउथ डिसीज? एनिमल्स को होती है, करेक्ट, स्पेशली फार्म एनिमल्स को, एब्सोल्यूटली करेक्ट, जैसे कि काउस, शीप, पिग्स, यस. फुट एंड माउथ डिसीज क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि यहां पर एनिमल्स गेट ब्लिस्टर्स ऑन देयर फीट एंड माउथ. कैसे होता है ये? एक इन्फेक्टेड एनिमल दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गया, कॉन्टेमिनेटेड फूड, टूल, व्हीकल्स, क्लोथ्स, राइट, इट कैन स्प्रेड टू थिंग्स लाइक दिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फुट एंड माउथ डिसीज मोस्टली अफेक्ट्स एनिमल्स, राइट, इन अ वेरी रेयर केस इट कैन इफेक्ट ह्यूमन, बहुत ही रेयर. लेकिन इफ ह्यूमन गेट्स इट, सिम्टम्स आर यूजली नॉट वेरी सीरियस एंड गो अवे ऑन देयर ओन, राइट? सो वेन एनिमल्स हैव फुट एंड माउथ डिसीज दे शो साइंस लाइक बुखार होगा, गेटिंग ब्लिस्टर्स ऑन देयर टंग, लिप्स, फीट, राइट, ड्रोलिंग अ लोट एंड समटाइम्स प्रोड्यूसिंग लेस मिल्क और मीट. सो टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एंड मेक श्योर कि दे आर वैक्सीनेटेड. एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, वैक्सीनेशन इज अ कॉमन वे. वैक्सीनेशन इज द कॉमन मैथड, इट्स लाइक गिविंग देम दैट स्पेशल शील्ड
एंड व्हेन एनिमल्स आर वैक्सीनेटेड, इसका मतलब ये नहीं है दैट दे कांट गेट द वायरस एट ऑल, दे कैन स्टिल कैच इट, बट वैक्सीन विल हेल्प देम मेक द सिकनेस लेस सीवियर, राइट? तो ये बात हो जाती है. इसी के साथ सेशन नहीं खत्म हो रहा है, टेंशन मत लो, अगले आर्टिकल पे चलते हैं. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस डैम, हीराकुंड डैम. अच्छा, आज सैटरडे है ना, तो कल सेशन होगा नहीं. अब मंडे से लेके आज तक में हमने जितना भी कवर किया है, मेक श्योर दैट यू टेक इट वेरी सीरियसली और रिवीजन ज़रूर कर लें. बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर. तो मंथ वो वीकली रिवीजन हो जाएगी, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, एवरी डे रिवीजन, 15 डे रिवीजन, ये ज़रूर करो. कोई रिवीजन में डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सेशन अच्छे लगते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ. किसी कोई सवाल पूछती हूँ उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दो. कमेंट सेक्शन इज बेसिकली सेशन सेक्शन जहाँ आई रीड द कमेंट्स, और कोई भी डाउट होता है जो भी, जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, आई डू सी दैट, राइट? अगर सेशन अच्छे लगते हैं ना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप इनको शेयर करते हो सेशंस को. सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो, और सेशंस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स एज वेल. रही बात अब हीराकुंड डैम की, महानदी रिवर पे है. अच्छा, महानदी रिवर होमवर्क दूँ या करवा दूँ? चलो कर लेते हैं, टेंशन मत लो. पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से द डे आफ्टर ओपनिंग द 6 गेट्स अथॉरिटीज ओपन 16 मोर टू डिस्चार्ज द एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर. महानदी रिवर पे है, अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम सांबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इन द वर्ल्ड, एंड द डैम फॉर्म्स अ वास्ट रिजर्वॉयर नोन एज हीराकुंड रिजर्वॉयर और हीराकुंड लेक. बिग आर्टिफिशियल लेक है इन एशिया. और रही बात अगर इसकी हिस्ट्री की, सो यहाँ पर दिस डैम, मतलब दे स्टार्टेड बिल्डिंग दिस डैम लॉन्ग टाइम अगो जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. द गोल वॉज टू कंट्रोल द महानदी रिवर, द फ्लो, हाउ टू डील विद दिस कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग इन दैट एरिया. सो 1948 में काम शुरू हुआ, 1953 में फिनिश हुआ. 5 साल लग गए इस मैसिव प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में. जब डैम रेडी हुआ, सो जवाहरलाल नेहरू ऑफिशियली ओपन्ड इट इन 1957. एंड पर्पस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, फार्मर्स को हेल्प करना, वाटर टू हेल्प ग्रो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले, खरीफ क्रॉप्स राइस, कॉटन, राइट? इलेक्ट्रिसिटी में इट हैज द पावर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इट कैन, दिस डैम कैन मेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट 360 मेगावाट. Not just that, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, it might flood the land, the dam helps to protect the nearby areas from getting flooded. So ये सारी बातें हैं. और रही बात structure की, so dam is made by granite, hard concrete, right? बहुत बड़ा है, like almost 4.8 kilometers, and yeah, catchment area भी काफ़ी है. It's like having a huge sponge that can soak up the water from a very very big spill. तो बहुत ही अच्छी बात है. हम थोड़ा ना महानदी रिवर के बारे में भी पढ़ लेते हैं. ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, और द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस शेवा रेंज ऑफ हिल्स इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और फिर छत्तीसगढ़ से बहती है, उड़ीसा से बहती है, और कुछ पोर्शन झारखंड, महाराष्ट्र का भी कवर करती है. कैचमेंट एरिया है इसका 860 किलोमीटर की इसकी लेंथ है. बिफोर इट्स एंड अप इनटू बे ऑफ बंगाल, सियोनाग, जोंग, खसदियो, मान, एब, ओंग, तेलन, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. होमवर्क में 3 चीज़ें हैं. सैटरडे भी है अब, तो मंडे टू सैटरडे जो भी हमने किया है आज तक, कल उसकी रिविजन करनी है आपको. महानदी रिवर के बारे में हमने पढ़ा है, आपको इसको मैप में लोकेट करना है, ठीक है? और दूसरा, तीसरा, टाइगर रिजर्व जो एमपी के अंदर है, जितने भी हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, मैप में लोकेट करना है. यू हैव टू टेक इट इन डिटेल, राइट? वी हैव डन दैट ऑलरेडी. सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ येस, एज आई हैव सेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.